हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं अपनी लाइफ का एक बहुत ही एडवेंचरस दिन। वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ये दिन था और मैं कह सकता हूं ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन मेड जगहों में से एक है हमारी जनरेशन का एटलीस्ट। तो आइए देखते हैं मेरे लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस डे को, कहाँ का यह वीडियो है और कौन कौन से जानवर आपके सामने आने वाले हैं। देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक और अमेजिंग संडे में मेरी लाइफ के। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग मौजूद हैं एक स्टेशन पे, ये है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों आज है हमारी ट्रेन और हम जा रहे हैं इटावा की तरफ। मैं आ गया हूँ आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे और सामने है जामा मस्जिद, एक और मैग्निफिशेंट मुगल एरा का स्ट्रक्चर। और इसको देखते हुए वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो लीजिए दोस्तों, आ गई है हमारी ट्रेन भी, ये है बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस और ये मुझे छोड़ेगी इटावा रेलवे स्टेशन तक। इसका टिकट मुझे स्लीपर क्लास का पड़ा है 212 रुपए का। सुबह उठते ही मैंने देखा था अपना फ़ोन और मुझे सिर्फ यही एक ट्रेन दिखाई थी सुबह के टाइम पे जो मुझे डावा छोड़ सकती थी, तो मैंने टिकट बुक कर लिया। तो दोस्तों सफ़र हो गया है कंप्लीट और इटावा स्टेशन आ गया है। फाइनली रीच्ड इटावा रेलवे स्टेशन। तो इटावा रेलवे स्टेशन पहुंच गए, यहाँ से लिया है हमने ई रिक्शा और जा रहे हैं जंगल सफारी की तरफ। भैया हमें लेके जा रहे हैं, 100 रुपये लिए इन्होंने एंड कह रहे हैं कि जितना देर एंजॉय करना है टिकट भी आप वहाँ कर सकते हो। तो बाकी वहाँ चल के आपको अपडेट देता है। दोस्तों जंगल टाइप का एरिया आ गया है अभी से, ये पीकॉक दिख रही है, ये है ना मतलब, एंड दोनों तरफ ऐसे ही है। तो लगभग 15 मिनट चलने और 100 रुपये खर्चने के बाद हमारे सामने आ गया है इटावा सफारी पार्क वेलकम्स यू का बोर्ड और ये है गेट जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं पार्क के अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस सफारी पार्क को। दोस्तों आ गए लायन सफारी इटावा के अंदर और कुछ ये हाईलाइट है यहाँ का। वाओ है तो ये भयंकर। कैमरे पे पता नहीं आइडिया हो रहा है या नहीं, पर ये वाकई बहुत बड़े हैं जो स्टैचू बने हुए लायन के और जो सफारी लिखा हुआ है काफ़ी बड़ा है साइज में। ये लायन है और ये डेन है ऐसा फील है। तो दोस्तों टिकट काउंटर पे आ गए हैं, सामने रेट्स लिखे हुए हैं सभी के लिए एंड इस साइड भी लिखे हुए हैं रेट्स। तो चलिए ले लेते हैं हम भी टिकट। तो दोस्तों 250 रुपये लिए हैं भैया ने मुझसे और मेरा नाम और शहर पूछा। डिटेल्स आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पर टिकट। आप एंटर कर चुके हैं अब हम डेन के अंदर एंड एंटर करते ही सामने कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर गोल्फ कार्ट खड़ा हुआ है, इस तरफ खड़ा हुआ है एक स्टीम इंजन रेलवे का एंड कुछ सुंदर सा बनाने की कोशिश की गई है इसको। दोस्तों मुझे तो एंट्रेंस बहुत ही सुंदर लगी और वाकई सोच समझ कर इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। एंड अब चल के थोड़ा नज़दीक से देखते हैं स्टीम इंजन को। पीछे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है सफारी पार्क जंक्शन, आप देख सकते हैं सफारी पार्क जंक्शन, मतलब थोड़ा रेलवे स्टेशन टाइप का फील दिया गया है इसको। एंड अगेन दिस मैग्निफिसेंट गेट, इस तरफ कार पार्किंग है, इधर भी लिखा हुआ है कार पार्किंग। तो ये है जो टिकट हमें मिला है, सीरियल नंबर लिखा है, टाइम लिखा है एंट्री का, डेट है, स्पेसिफिकेशन है, नाम है और रेट है, ठीक है। और एंट्री होने के बाद सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये गेट है जहाँ से एंट्री की है हमने और ये रखा है स्टीम इंजन और पीछे आप देख सकते हैं फिर से सफारी पार्क जंक्शन। तो एंट्री आप देख सकते हैं कितनी ग्रांड है इसकी। इसके बाद जैसे ही हम कार पार्किंग की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई दे ये टैंक्स, इधर कार पार्किंग है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं और ये है हमारा टैंक्स। ये है विजयंता टैंक इंडियन आर्मी का, बैटल टैंक विजयंता, कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिखा है और टैंक के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। सेम एक बार और समझा देता हूँ आपको, ये एंट्री पॉइंट है, इधर खड़ी है ट्रेन, उधर बाइक्स की पार्किंग है,
इधर टैंक्स खड़े हैं और ये कार्स की पार्किंग है, ऐसा सीन है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ एंड सामने का नज़ारा आपको दिखा दूँ। बनाया तो काफ़ी अच्छा है, पता नहीं मेंटेन कितने साल हो पाएगा बट बना अच्छा है। सामने लिखा वे टू सफारी। कैंटीन है, सोवेनियर शॉप है और ये हमारा नेशनल सिंबल जो जाता है इस पार्क की टीम के साथ पूरी तरह से। बोर्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं और इनको फॉलो भी करें अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। तो आइए दोस्तों, जब तक हम अंदर की तरफ चल रहे हैं तब तक कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको इस पार्क के बारे में। ये पार्क पब्लिक के लिए खोला गया था नवंबर 2019 में। यहाँ पर एशियाटिक लायन का ब्रीडिंग सेंटर भी है। यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेंगी 5 स्पीशीज जो कि रहती हैं 350 हेक्टेयर के एरिया में। 165 टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं एज पर गवर्नमेंट डेटा। इसको देखता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूपी गवर्नमेंट का। एंड आपको मैं बता दूं इसकी हिस्ट्री, इसको फर्स्टली प्रपोज किया गया था 2006 में और वहीं इसका काम स्टार्ट हुआ था 2012 में। धूप थोड़ी तेज है इसीलिए थोड़ा तीखा लग रहा है, फेस पे धूप लग रही है, वरना बहुत सुकून वाली जगह है, नेचर के बीच फील होता है, बहुत ही सुहावना ये मौसम है। मतलब थोड़े से बादल और होते ना, बेस्ट अमेजिंग फीलिंग होती है। बनाया तो अच्छा है। पानी की आवाज आ रही है। यहाँ पर आते ही एकदम नेचर के बीच जैसा फील हो रहा है, हवा फील हो रही है, पीस फील हो रहा है और जो ये प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं ना इधर, बहुत ही सुंदर, मतलब शांत इतना है एनवायरनमेंट के बोलने का भी मन नहीं कर रहा कुछ। पेड़ की आवाज़ है। ये जो इतना खूबसूरत सा आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये डिज़ाइन किया है एक स्पैनिश कंपनी ने। इसको स्पेन की एक कंपनी है आर्ट अरबा करके, उसने पूरा पार्क डिज़ाइन किया है। जंगल के बीच में ऐसा फील आ रहा है, वे टू सफारी। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी चल के आना पड़ा है तो थकान तो यहाँ पर होती ही है। अगर आपको ज़्यादा वॉक करने की आदत नहीं है तो आप गोल्फ कार्ट लेके भी आ सकते हैं, उसके चार्जेस अलग हैं। उधर से चलकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं आगे भी डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि आपको एक रॉकी जंगल के बीच का फील आता है, जिस रॉकी जंगल में हमारे लायंस रहते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है एंड इसके टिकट चार्जेस अलग हैं, इसको मैंने कवर नहीं किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूज़ियम जैसी चीज़ें देखने में तो आप ज़रूर देख सकते हैं। चलते हैं सफारी की तरफ आगे एंड इस तरफ है ये 4D थिएटर है दोस्तों, इधर लिखा भी हुआ है, ये पूरा 4D थिएटर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं एनिमल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज वो आपको यहाँ लायन रिलेटेड देखने को मिलेंगी। और एक बात की तो तारीफ है दोस्तों, जो उसका डिज़ाइन है ना वाकई अमेजिंग है। अफ्रीका के किसी जंगल के बीच में है ना, मसाई मारा पार्क के बीच में, वैसा फील है। वे टू सफारी ये है, कहाँ जा रहे थे तुम पता नहीं। ये बना है लायन पासेज। ओके। देख सकते हैं, वाओ, एक जगह फोन रख के कुछ फोटोज निकाल रहा था, गिरते गिरते बचा है फोन, खौफ बैठ गया मन में। सामने कुछ बसेस टाइप की दिखाई दे रही हैं, शायद यहीं से सफर स्टार्ट होगा।
चलो वहीं देखते हैं फिर। ये बड़ा सुंदर सा अभी जो पैसेज है बड़ा सुंदर है। हाँ जी भैया। तो भैया ने मुझसे अभी टिकट मांगी, टिकट मांग दे कहते हैं अकेले हो? मैंने कहा हाँ यहाँ भी और जिंदगी में भी। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अब ये वाली गाड़ी जाने वाली है नेक्स्ट, हमें वेट करना है बाकी साथियों के आने का। ये इस तरफ जाएगी ठीक है। तो दोस्तों आकर बैठ गए अपनी बस में और सबसे पीछे वाली सीट ली है हमने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, हम आगे आ गए हैं। Now I can say that I have got the best seat in the house. मुझे सबसे खास सीट मिली है इस ट्रैवलर की यानी कि इस बस की, और सबसे अच्छी जगह से मैं सारे जानवरों को देखने वाला हूँ। ड्राइवर भैया के एग्जैक्टली बगल में बैठा हुआ हूँ और अब हम सफारी वाली जगह पर एंटर करने वाले हैं। मेन पार्क स्टार्ट होगा यहाँ से और उसका गेट आ गया है, ये सामने गेट है, इंटर कर गए हम। क्या भगा रहे हैं भैया, भाई डर लग रहा है मुझे, भैया बहुत तेज चला रहे हैं। बाकी इतनी पतली पतली टेढ़ी टेढ़ी सड़कें हैं, ऊपर नीचे हो रही है, पर भैया को बिल्कुल डर नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, भैया अपनी मौज में, भाई भैया को कोई मतलब नहीं है, पीछे सवारी गिर रही है, लेकिन वो भगाए जा रहे, मजा आ रहा है सच में, बहुत एडवेंचरस है यार। दोस्तों स्वागत है आपका मसाई मारा के जंगलों में। यहाँ फील ही नहीं हो रहा है कि हम इंडिया में हैं, ऐसा फील हो रहा है अफ्रीका के जंगलों में। एक तो धूप इतनी तीखी है, प्लस जो थोड़ा सीनरी है ना वो थोड़ी अफ्रीका के जंगलों जैसी है। तो क्योंकि अभी तक मैंने जो जंगल देखे हैं वो या तो जिम कॉर्बेट टाइप के हैं या रणथंभौर या फिर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो वो सब ना थोड़े रेन फॉरेस्ट टाइप। तो दोस्तों जब तक कोई जानवर नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ इस पार्क का। तो ये फर्स्टली सिक्स लायंस को यहाँ पर माइग्रेट करके लाया गया था 2014 में। 2015 में डियर सफारी को खोला गया, फिर बियर सफारी लाई गई और लेपर्ड सफारी उसके बाद। तो ये सब जो टोटल है, इनॉग्रेट डियर सफारी 2016 में हो गई थी, लेकिन ओवरऑल ये पार्क इनॉग्रेट हुआ था 2019 में आके। तो दोस्तों सामने आ गए हैं लेपर्ड, ये लेपर्ड का केज है और इसके अंदर हमको दिख रहे हैं लेपर्ड्स। अभी आपको दिखाता हूँ, ये पहला लेपर्ड ये बैठा हुआ है नीचे, हाँ ये रहा, एंड ये दो बैठे हैं ऊपर, हाँ ये दो लेपर्ड्स बैठे हुए हैं ऊपर। वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम साफ इनका जो कोट है बहुत सुंदर है यार। नीचे एक बैठा है और एक और है ऊपर, अच्छा ये पीछे एक और है, टोटल पांच हैं, तीन ऊपर हैं दो नीचे हैं। यार ये जिस तरह से अभी मुझे स्टेयर कर रहा था ना, मतलब मैंने फोन रख के मैं इसको ही देख रहा था। अभी मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, अब इधर उधर देख रहा है, लेकिन ये मुझे ही स्टेयर किया जा रहा था। और वाकई बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा था, बहुत सुंदर लग रहा था यार सच्ची में। अब चल दिए हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, वहां पर हमें दिखाई देगा एक और नया जानवर। ये जो एरिया है ना, ये चंबल साइड का एरिया है, तो यहाँ पे आपको जो भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ दिखेंगी वो थोड़ी कांटेदार दिखाई देंगी, ग्रीन नहीं है वो उतनी। और ये छोटी छोटी जो मिट्टी के पहाड़ हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट काइंड ऑफ रेतीले पहाड़ हैं, सामने थोड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको होराइजन में। पहुँच गए मृग सफारी की तरफ यानी कि एंटीलोप देखने, और भैया ने बताया यहाँ पर ब्लैक बक भी है। जी हाँ दोस्तों सही समझे आप, वही ब्लैक बक जो मशहूर हुआ था सलमान खान की वजह से, हमारा वर्ल्ड फेमस चिंकारा। तो पहला एंटीलोप स्पॉट कर लिया हमने दोस्तों राइट की तरफ, ये देखिए कई सारे हैं, एंड ये तो रोड पे ही भाग रहा है हमारे आगे यार, छोटा सा है। कह रहे थे रुक जाओ, पूरा परिवार। वाह जी वाह, वाह जी वाह।
पूरा गांव है। इस भीड़ में एक दिखाई दे रहा है ब्लैक बक, ये रहा, अभी दिखाता हूँ ज़ूम करके, एक मिनट, ये ओरिजिनल ब्लैक बक, सलमान खान नाम लेते भाग रहा है भाई का। दोस्तों क्लियर है, आज भी खौफ है भाई का पूरी स्पीशीज में, भाई के नाम से भागते हैं सब। एंड देख सकते हैं ये, पता अपने सींगों की वजह से ना सब पे अपना रॉब झाड़ रहा है, वहां से अटाला हटो, ये मेरा खाना है मैं खाऊंगा। एक और ये रहा ब्लैक चिंकारा, ब्लैक बक, कई सारे बैठे हुए हैं सर, ब्लैक बक भी है एक, बाकी लोग हैं। अब चल रहे हैं डियर सफारी की तरफ, जहाँ पर हमें बारहसिंगा भी दिखाई देगा। तो ये बैठे हैं सारे डियर्स, वो बहुत ही बड़े हैं साइज में यार, बहुत ही बड़े हैं ये साइज में। ये देखिए ये कितना बड़ा है, ये जो बैठा हुआ है इधर पेड़ के सहारे, प्रॉपर पूरे सींग हैं, काफी ऊंचे एंड साइज गाय जैसा साइज है इसका। दूर भी एक दिखाई दे रहा है मुझे, अभी एक ये है और एक वो बैठा, वो पर्वत जैसा जो दिख रहा है ना, वो एक बारहसिंगा है, छोटे छोटे से हैं और सींग बहुत सुंदर हैं इनके, ये बिना सींग वाले डियर हैं। तो भर चुके हैं अब नेक्स्ट सफारी की तरफ, और ये होने वाली है एक बियर सफारी, भालू देखने जा रहे हैं हम। भैया ने आवाज दी है तो इसे उधर मुंह करके गुस्सा होके बैठ गया। खड़ा हो गया है दोनों पैरों पर और कितना क्यूट लग रहा है, अब समझ में आया टेडी बियर क्यों कहते हैं, सच में बहुत क्यूट है। आंखें देखो इसकी कितनी सुंदर लग रही है ना, रुकता बहुत एक बार खाने दे दो बस, शाम तक बराबर आते तो। दोस्तों फाइनली सबसे खतरनाक फाइनल फ्रंटियर, ऑटोमेटिक गेट्स हैं यहाँ पर, मैनुअल गेट्स ही नहीं है, रिमोट से खुलते हैं। हम बढ़ रहे हैं लायन सफारी की तरफ, ये भी ऑटोमेटिकली खुला है गेट, एंड अब रूबरू होने वाले हैं हम एक्चुअल लायन से। ये बना रखा है पानी वानी पीने का लायन के लिए, आराम से इस पूरे एरिया में घूमते हैं, सामने तो रहे हैं लायन, ओह माय गॉड
शेयर साइज और प्रेजेंस देखकर ही समझ में आ रहा है इसे जंगल का राजा क्यों कहते हैं, इसका खौफ क्यों है इतना। भाई है ये शेर है वहाँ, ऐसा लग रहा है ये हमें पोजेस देके दिखा रहा है कि भाई मोमेंट है भाई मोमेंट। आपको कराएंगे बेटा रोते घूमोगे बन जाऊंगा मंत्री सामने बाहर से पीछे कोई कह रहा है कि शेर कह रहा होगा मीनू दिखा के वापस जा रहे हैं, कुछ खाने को भी नहीं दिया। देखिए राम जंगली सुअर देख रहे हो ना उसे, ये तो इतनी गाली में निकल जाता होगा ना, ये वॉच टावर। तो फाइनली वापस आ गए हैं एग्जिट पॉइंट पे और एग्जिट कर रहे हैं जंगल सफारी से। सक्सेसफुली कंप्लीटेड इटावा लायन सफारी, सक्सेसफुली कंप्लीटेड इटावा लायन सफारी। सारी चीज़ें आपने देखी, जो जो मैंने देखी मैंने आपको सारी दिखाई हैं। अब आप बता सकते हैं कि आपको ये जगह कैसी लगी। एक फील तो है इस जगह में, मौसम थोड़ा फेब से ही गर्म फील हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं सीरियसली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छे से सपोर्ट दिखाना है कमेंट्स में भी।